ले ले मेरा कैमरा के साथ में, ले ले कैमरा। रोहिणी रोहिणी किरदार एक्चुअली वो कुछ और है, कोई एक्चुअली मैं ये हूँ धर्म सूर्यवंशी। मैंने रोल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसका लुक ही अलग है। सबसे पहले वो लुक, जो कभी भी एक्टर की स्क्रीन पर आता है तो पहले आप देखते हो अगर वो मूवी खोले उसके पहले उसका लुक होता है, तो लुक वॉज वेरी डिफरेंट। जो भी हाथ में बाली गले में लॉकेट और मूव शूज लगा के थोड़ा नेगेटिव रोल था, फिर हार्ड को नेगेटिव हुआ, फिर रोमांटिक हुआ, फिर एकदम प्यार में पागल हो गया। तो एक बहुत ही रेंज है, मतलब आई थिंक 6 साल के साथ के एक सफ़र में धर्म सूर्यवंशी का जो कैरेक्टर है वो इज द मोस्ट कलरफुल। और मेरा जो ग्राफ है एज ए रोल बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ है, पूरा राउंड सर्कल है मेरे कैरेक्टर के ग्राफ का। आई थिंक नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव एंड रोमांटिक हीरो, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक रोल, वंस इन अ लाइफ टाइम रोल फॉर मी, और करने में बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी गुड, आई थिंक गोपी और तानिया और आई थिंक दे आर वेरी गुड डांसर्स। मेरा बेटा जो श्रवण बन श्रवण है वो भी होस्ट कर रहा है क्वेश्चन, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू सी देम हाउ दे डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब, सो इट्स नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड्स। मेरे पर्सनल कोई, मेरे दो बच्चे हैं, दे लाइक माय टू आईज, यू नो वी लव बोथ, यू नो सो आई दे आर माय लाइफ, दे आर माय एवरीथिंग फॉर मी, आई थिंक आई एम क्लोजेस्ट टू देम, एंड देन माय वाइफ शी कम्स नेक्स्ट, ओके सो दैट गोज दैट वे। थैंक यू, थैंक यू।
कैसे हो? क्या चल रहा है? ऑल गुड? आगे सी मूवी नहीं देख रहा हूं। मेरे दिल में बात कर रही है। हां हां। क्या तैयारियां की हैं? कितना कितने मजे लेने वाले हो? कितना कितनी परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा इंतजार है? स्टार यू आर गोइंग वेल स्टार परिवार। हाँ, हम इस परिवार से जुड़े हैं और दुनिया भर में लोग स्टार को देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं कि आज आई एम श्योर जितने भी परफॉर्मर्स हैं एकदम रेडी होंगे रिहर्सल्स के साथ। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइट। मज़ा आएगा। मैम मतलब यार मतलब ऑब्वियसली इस येलो में हम मतलब पूरा रंग है पूरी तरह से इस रंग में बहुत सुंदर है। मैं इनके साथ खड़ा हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाय हाय इतनी मॉडेस्टी ना बहुत मॉडेस्टी नहीं बट इस परिवार का हिस्सा बना हूँ मैं पहली बार। मानसी तो ऑब्वियसली पहले कर चुकी हूँ बहुत कुछ। ये दिस इज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड दिस इज रियली रियली ग्रेट। इट फील्स गुड टू बी नॉमिनेटेड एंड कम हियर। ओके बहुत ज़्यादा बिकॉज आई थिंक बहुत ही स्पेशल शो था और बहुत ही स्पेशल तरीके से शूट किया गया था, बहुत स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया था ये शो। सो वी रियली मिस इट एंड वी वर्क सो हार्ड फॉर इट फॉर 11 मंथ्स एंड वी वर लाइक 75 एपिसोड्स डाउन व्हेन इट केम ऑन एयर एंड वी स्टिल गेट द लव फ्रॉम द पीपल हु वॉच्ड इट। यू नो पीपल स्टिल ट्वीट अस सेइंग कि क्यों कैसे कब वापस आएगा। फेसबुक मैसेजेस आते हैं लोगों के। वी मेट पीपल आउटसाइड आल्सो पीपल कीप सेइंग व्हेन इज इट कमिंग बैक। So I think as creators and as artists, that's a very good wicket to be on. Yeah. And we just hope that it comes back and we come back to entertain. Yeah. Season 2. Okay, under kafi sare performances and nominations, sab kuch awards hai. So kitna excited hai andar jaake kya kitna dhamaal hone wala? Andar jaake to pehle hum Satish ji ko milenge. So we are very excited to meet Satish Kaushik ji. And yeah, the whole team is going to be there. Yeah. So that is going to be good fun. I think the excitement for us is also that because the show is not on air right now and we'll be meeting the whole team. We'll be meeting the producers and we'll be meeting the creators from the channel as well. Yeah. So I think that is to get in touch with that family of yours is I think more exciting. I'm close to my mom. Absolutely. I would also say the same thing. I'm very close to my mom. But, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप लकली वी हैव हॉट स्टार राइट नाउ। सो सुमित संभालेगा के जो भी जितने भी एपिसोड्स हैं वो आप उसके रीरन चल सकते हैं आपके लिए। लेकिन इंशाल्लाह वी वांटिंग अस मोर टू वी विल जस्ट कम बैक टू द इफ यू प्रे रियली हार्ड वी विल कम बैक। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। एक्साइटमेंट तो बहुत ही होती है क्योंकि आप सब हमको कवर करते हो दुनिया को दिखाते हो जिसकी वजह से हम स्टार बनते हैं और ये स्टार परिवार अवार्ड्स होता है। जैसे कि नाम है परिवार तो व्यूअर्स के साथ भी हमारा एक पारिवारिक संबंध हो जाता है कि रेगुलरली स्टार प्लस देखते रहते हैं और सारे शोज को इतने पसंद करते हैं और अभी हॉटस्टार भी देखने लगे हैं। तो यही मेरा उनसे कहना है कि हमारे शोज देखते रहें और हमें इस तरह से प्रोत्साहित और प्यार देते रहें। हाँ बिल्कुल ये इंडो वेस्टर्न लुक है क्योंकि परिवार अवार्ड है तो कुछ नया होना चाहिए। तो संध्या बीनी ने हमारे को तैयार किया है और साथ में हमारी मुस्टंडी ना आरजू बीनी ने भी तैयार किया है। थोड़े बाल इधर उधर बिखर रहे हैं नो माइंड। मीना बीनी ने थोड़ी अंग्रेजी सिखा दी है कोई बात नहीं। देखो बढ़िया है पल्लू संभल को नहीं रहा है। अब बाबा साहब देखेंगे मतलब सूरज के बाबा साहब तो वो घायल ही हो जाएंगे। okay, लुक के बारे में कुछ बताइए। काफ़ी सारे अच्छे हाँ देख लो
बढ़िया है एकदम। पल्लू कोनी संभल रहे है, हेयर भी पहन रही है, इन्हें क्या है फैशन। अरे मारा राम जी, ये देखो ये भी आ गए। मैंने सोची मेरी पल्लू को देख करके चीख निकल गई लोगों की। हाँ वो कन्फ्यूजन तो होता ही रहता है, चलता है जिंदगी में। बट मैं परिवार अवार्ड में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत 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 बोलते हैं ना, इंतज़ार रहता है कि कब ये परिवार अवार्ड आए और सब परिवार से मिलना हो, मिलने का मौका मिले, तो इसलिए सज धज कर आए हैं और खूब मजाक करेंगे। परिवार में सबसे पुराने सदस्य हैं तो आशीर्वाद देंगे और मौज मस्ती भी करेंगे, थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना, क्योंकि जब नए नए रहते हैं तो थोड़ी सी शर्म रहती है, थोड़ी झिझक रहती है। अब तो पुराने हो गए तो अब तो डांस पार्टी नहीं, अवार्ड में आए हैं ऐसे ही रहेंगे। चलती हूँ रे मारा राम। इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हम एक्टर्स हैं, सो गेटिंग रेडी एंड गेटिंग एंड कमिंग हियर लाइक दिस, आई थिंक हम इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो करने में मजा आता है। ओके, अंदर कितना कुछ काफी कुछ होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है आपको अटेंड एंड परफॉर्म? ये मेरा पहला स्टार परिवार है एंड आई एम बीइंग नॉमिनेटेड ऑल्सो, तो सच बताऊँ तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटायर इवेंट, और परफॉर्मेंस भी है और इंटरैक्शंस भी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग एन इवेंट ऑल्सो, आई थिंक आई प्रॉबेबली होस्ट अ सेगमेंट, तो बहुत कुछ करने को मिल रहा है, तो सच में बहुत एक्साइटेड। ओके, परिवार का यू नो बात चल रही है, तो जानना चाहेंगे कि आप अपने परिवार में किससे ज़्यादा सबसे क्लोज हैं, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? कृतिका मैम से, कृतिका देसाई मैम जो मेरी दादी सास बनती है और शो में मेरे अगेंस्ट है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। एंड येट आई शी इज़ अ रॉक स्टार, मतलब बहुत मज़ा आता है उनके साथ। थैंक यू, क्या तैयारियाँ की है? स्टार परिवार अवार्ड्स है, कितने एक्साइटेड?
एक्चुअली हमें बता देना चाहिए कि हम दोनों जूरी पे हैं, तो डंडे हमको ही पढ़ने वाले हैं। हाँ नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी और बहुत यूनिक कैटेगरीज थी। आई नो, आई थिंक एक तो नई सोच सो द टीवी सीरियल दैट हैज द मोस्ट मॉडर्न थिंकिंग, या एक नए टाइप का थीम है, बट देयर वाज सो मेनी ऑफ देम के बहुत ही मुश्किल था। लकली हम तीनों को पता नहीं था कि कौन कितने मार्क्स दे रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ फेयर प्रोसेस। हमको डिस्कस करने भी नहीं दिया एक दूसरे से, वो वी डोंट नो बिकॉज़ दे हैव टेकन ऑल थ्री ऑफ अस एंड देन दे हैव सेपरेटली टैब्यूलेटेड द रिजल्ट्स, तो मुझे सिर्फ मेरे मार्क्स मालूम है। गोल्डी इज अ वेटरन एट वॉचिंग, ये बहुत ही एक्सपर्ट है। बट मॉम के साथ बैठ के कभी कभी देख लेता हूँ, तो आई थिंक दिया और बाती इज अ नाइस शो। यस, एंड आई लाइक तमन्ना ऑल्सो, महाभारत इज गुड, सिया के राम इज गुड, सिया के राम इज गुड। इनके बता देती हूँ, करण पटेल, करण पटेल इज हिज फेवरेट एक्टर। एक्ट्रेस द कपिल, द गर्ल फ्रॉम दिया और बाती, या शी इज गुड, या आई लाइक हर, यस यस, एंड देयर वन मोर गर्ल वाज इन, नो शी इज इन नागिन, नो शट अप। ओके, ये मेरे परिवार का सदस्य, मेरे परिवार का पुराना सदस्य है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बस। ओके, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। स्टार परिवार है, सॉरी बट ये बिल्कुल सही जगह में है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत प्रसन्नता की बात है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज। और हमने, जैसे आपको मालूम है, हमने अभी सिया के राम जो चल रहा है वो सीरियल किया, मैं बहुत दिनों के बाद, बल्कि पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने एक माइथोलॉजिकल किया जिसमें इतने खूबसूरत कॉस्ट्यूम मुझे पहनने के लिए मिले, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मिला, और उस पर स्टार प्लस भी है जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने बड़े पैमाने पर पेश किया है। और जितने भी मेरे मतलब को स्टार्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, निखिल सिन्हा साहब जिन्होंने मुझे सीरियल में बुलाया, तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने। और आज ये देखिए खूबसूरत शाम स्टार परिवार अवार्ड्स में मुझे बुलाया गया, आई एम वेरी हैप्पी। अपने अपने इनविटेशन कार्ड पे तो लिखा नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है कौन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं सबको देखने के लिए मतलब बेचैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शूट मैं सोच रही थी मैं चाइना में सेटल हो जाऊं, बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ही डांसेस वेरी वेल। हमने उनको सारे गोविंदा के स्टेप सिखाए एंड आई थिंक मे बी मेकिंग अ म्यूजिक वीडियो लेटर। तो हाँ, सोनू इज ऑल्सो देयर, ऑफकोर्स सोनू डांसेस तो वेल ओनली, बट जैकी चैन डांसिंग इज वॉज अ रेवलेशन। नहीं, एक्चुअली वो चाइनीज सॉन्ग था, चाइनीज सॉन्ग, बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं था, चाइनीज सॉन्ग था। ही नोज ओनली वन सॉन्ग विच ही कैन सिंग विच इज तू 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 मेरी, दी होल डे ही सिंग्स दैट सॉन्ग, फुल सॉन्ग ही नोज। उनको वही स्टेप आता है जो मैंने सिखाए उनको, चार बॉलीवुड के स्टेप। ये बताइए, आपके इस मॉल में तो लगा कि कल बिल्कुल एक शाम का क्या सोचा?
मैं सोचा रेड कार्पेट में रेड होता तो मैं रेड डाल के भी ना जाऊँ, तो थोड़ा सा चेंज और भी लगेगा कुछ लगेगा, क्योंकि चलता हुआ इंसान आ रहा है तो पता ही नहीं चलता कोई ब्लू में निकल कोई ब्लैक में, तो मैं जो रेड में आएगा तो पता चलेगा रेड में भी आया। ऑफकोर्स लास्ट 6 ईयर यार, सो अब परिवार परिवार नहीं रहा, अब तो घर बन चुका है हमारा। तो इस बार भी करेंगे यार, तुम्हें क्या लगता है इस बार पैसे नहीं मिले हमें? इस बार की परफॉर्मेंस ये है कि मैं एक सोलो एक्ट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स उसके बिना फिर साथ ही चलेगा कैसे, वो स्टार परिवार अधूरा रहेगा, तो ज़रूरी है मतलब कपल डांस। मम्मा बॉय हूँ यार, तो माँ की ज़्यादा क्लोज हूँ और अपनी बीवी के, उसके बाद बच्चे हो गए तो बाप बन चुके हो तो बच्चों भाई आप भी पूछ लो कुछ नहीं नहीं पूछ लो बड़े तो तू डाल दिया, तू ये ले कपड़े पे तू अलग लगेगा, मैं इंशाल्लाह तो झुक लगेगा, फर्क इतना ही है। क्या कहें, कैरेक्टर बहुत अच्छा है ऑफकोर्स, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो एज यू ऑल नो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल सास बहू ड्रामा, एंड कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर में बहुत वर्सटैलिटी है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, एंड पहली बार स्टार परिवार अवार्ड जा रहा हूँ, एंड ऑफकोर्स इट एड्स ऑन टू द एक्साइटमेंट अ लॉट, सो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड। नो वे, आई डिडंट थिंक अबाउट इट एट ऑल, मैं तो बस कोइंसिडेंस हो गया, थोड़ा कलर मैच हो गया। यार एज एन एक्टर आई थिंक यू सपोज टू वर्क लाइक दिस, इट डजंट रियली मैटर इफ यू शूटिंग ऑन द सेट और आप या बाहर पर बाहर शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, रैंडम शूट कर रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर। फ्रॉम माई फर्स्ट शो, इन फैक्ट फर्स्ट शो जो मेरा था उससे ही मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं पुणे में शूट कर रहा था, एंड यूज टू स्टॉप लाइक एनी वेयर एंड शूट, सो आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट, एंड एज एन एक्टर यू सपोज टू बी यूज्ड टू इट एक्चुअली। फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ तमन्ना देखिए, ऐसे शोज़ को अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज ऐसे शोज अगर आएंगे तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, कंटेंट विल इम्प्रूव ऑन टी वी विच इज़ येट टू इम्प्रूव, सो डेफिनेटली वॉच तमन्ना एवरी नाइट 10 PM स्टार प्लस। थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू। अब मैं ब्लू आइज बोलूंगा, आज भल्ला परिवार और अय्यर दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो नेचुरली हंगामा तो करेंगे ही, क्योंकि बहुत दिनों से हंगामा नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ हंगामा करने आए हैं। ये ओकेजन ही ऐसा है कि यहाँ फुल मस्ती धमाल होने वाली है भैया, भल्ला परिवार और अय्यर परिवार की। फिलहाल तो हम दो ही हैं, अपने अपने परिवार है जी।
बहुत ज़्यादा ये कि हम दोनों नॉमिनी हैं दोनों लेके आएंगे सारे पर फेवरेट ससुर दोनों फेवरेट ससुर दोनों सेम है तो टाई दोनों जी उठा के लाएंगे अभी टाई होने वाला है ओके बाय देखिए स्टार परिवार का तो दो साल से हिस्सा है तो रिलेटिवली नए मेंबर है लेकिन एक बड़ा अच्छा बड़ा वार्म परिवार है हमेशा मज़ा आता है और ख़ासतौर जब खास मौक़ों पे परिवार इकट्ठा होता है तो और मज़ा आता है और ये वो एक खास मौका है सो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ नहीं हम तो सिर्फ मैं एक्चुअली खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती बट कोशिश ये रहेगी बहुत सारे पुराने दोस्त हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप विद देम रोहिणी रोहिणी बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ा क्योंकि इट्स नॉट अ न्यू कैरेक्टर लोगों को पता है रावण कैसा था उसका एरोगेंस एटीट्यूड कैसा था तो इसके हिसाब से जस्टिस ट्राई कर रहा हूँ मैं करने को
एब्सोल्युटली आई मीन टोटली डिफरेंट हूँ, बट कुछ रावण के गुड क्वालिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ अभी. यू नो आई गॉट टू नो लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज अबाउट रावण, सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दोज गुड क्वालिटीज. वेल मुझे तो रावण का लुक ही बहुत अच्छा दिखता है ना. आई लव दैट लुक एंड आई एंजॉय दैट लुक. वेल गुड, आई मीन फर्स्ट टाइम मैं स्टार परिवार अवार्ड्स आ रहा हूँ, सो इट्स आई एम वेटिंग टू सी यू नो हाउ इट्स गोइंग टू बी. आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट. I mean, I'm lucky that, you know, people are seeing in that way, that Ravan is, you know, this Ravan is good looking. But yeah, Ravan was good looking, in fact. Yawal. शेड वो पॉजिटिव हो जाएगी आगे तक. सो ऑफ कोर्स आई हैव टू शो माय शेड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरे दूसरे शेड्स देखने को मिलेंगे ऑडियंस को. सो आई विल एंटरटेन देम विद माय पॉजिटिव नेगेटिव शेड्स आल्सो. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. स्टार पर आई फील वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी और मुझे ये रोल मिला. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी हैप्पी. स्टार परिवार की मेंबर हूँ मैं. फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, एक्साइटेड कि मैं यहाँ हूँ. टीवी पे मैं देखा करती थी स्टार परिवार वॉस, आज मैं खुद यहाँ पर हूँ. सो ऑफकोर्स आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट एंड आई एम वेटिंग फॉर माई सीता दीदी एंड राम परफॉर्मेंस. आई वॉन्ट माई फादर एंड माई सीता दीदी टू विन ऑफकोर्स, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, गुड लक. They are the best, for sure. Urmila 14 साल के लिए सो गई है. She's sleeping for 14 years. Long post vanvas, of course. Waiting vanvas कब खत्म होगा? फिर वो जागेंगी. लक्ष्मण जी आएंगे, बड़े प्यार से उसको उठाएंगे. तो 14 years मुझे वेट करना पड़ेगा अभी. तब तक मैं बालिका वधू में थोड़ा सा नेगेटिव कर लेती हूँ. Okay, I am wearing a very soft color off white. I don't wanted to wear a bright color. I believe in soft colors. So I'm wearing off white with purple touch of it. And main Indians itna nahi pehnti, it's my first time. So meri friend Antra, she designed me. So. Thank you so much. Thanks a lot. Take care, bye.
है यहीं पे। कैरेक्टर में तो नहीं है ना, कैरेक्टर में तो नहीं रहना ना। थैंक यू सो मच। शादी नहीं, अभी सगाई हुई है, शादी होने वाली है, उसके लिए भी दे दीजिएगा जल्दी। ऊपर वाले जानता है कैसे हुआ और थोड़ा बहुत इनको पता है। प्यार है यार, हो जाता है, हो गया। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, बन गई हमारी जोड़ियाँ ऑन स्क्रीन, तो कुछ अलग ही रिलेशन है। क्या लगा कि वो फर्स्ट टाइम लगा जाए कि ये लव फर्स्ट साइड था क्या? नहीं, लव तो फर्स्ट साइड तो था ही नहीं, बहुत झगड़े हुए थे, लेकिन हाँ, आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू हिम। होता है, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान अच्छा लगने लगता है अचानक से। हाँ, मतलब शायद इसी साल, और इसी साल नहीं हुआ तो बस अगले साल की शुरुआत हुई। स्टार परिवार बहुत हम हमारे परिवार से जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए खूब जम के हूटिंग करने वाले हैं। और आपको सीटी वीजा नहीं आती है ना? हाँ, लेकिन आगे के चार दांत नकली हैं तो वो कर नहीं सकता मैं, गलती से पहले क्यों नहीं बताया। बहुत मज़ा आने वाला है, हमेशा से होता है ऐसा, तो परिवार है, परिवार का एक फंक्शन है, सो वी आर गोइंग टू हैव फन, अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, आज काफी डिफरेंट लुक फ्रॉम व्हाट योर कैरेक्टर्स लुक लाइक, तो कितना अच्छा लगता है ऐसे हीरो खुद से ऑफ करना। हाँ, मतलब गर्मी सूट बना के भेज देती है तो ठीक है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है, बाकी सब ठीक है, अच्छा तो लगता ही है। आप लोग इतने प्यार से हमारे हमसे बातें करते हैं, की वजह से नहीं लग रही है गर्मी? गर्मी हाँ, सॉरी, आप लोग समझ सकते हैं गर्मी क्यों लग रही है मुझे, तो टू हॉट। वैसे काफी हॉट लग रही है, सुना तो थोड़ी तो तारीफ होनी चाहिए उनकी, क्या तारीफ, गाड़ी से लेके यहाँ तक बहुत कर दी है, मतलब आप नहीं अच्छा तुम अब करनी पड़ेगी, लेकिन तुम ये मैनेज कैसे करती हो इतना हॉट दिखना? हाउ डू यू मैनेज? बाकी सब तो ठीक है, मैनेज जो ये होता है वो कैसे होता है? बाकी तुम लगती हो हमेशा, वो तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा तुम तब से हमेशा से ऐसी लगती आ रही हो, और फ्यूचर में भी हमेशा लगती रहोगी, लेकिन मैनेज कैसे करती हो? आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करती हो? बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट, या हाँ सॉरी, थैंक यू, बस। मैं गाड़ी से लेके यहाँ तक तारीफ करते आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये गाड़ी से लेके यहाँ तक तारीफ करते आ रही हैं खुद की, और फिर मुझे भी करना पड़ा, मतलब तो वैसा कुछ हुआ था, है ना? आपके फोन दिखाओ, इतने सारे मैसेजेस हैं, वाओ इतने हैंडसम लग रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे क्लोज है, हाँ परिवार एक, पर्सनली हम लोग सब सबसे क्लोज है, हम लोग बाद में, हम बहुत क्लोज हैं आपस में, बहुत प्यार है हमारा, हमारे पूरे परिवार में आपस में बहुत प्यार है, और हम लोग प्यार में विश्वास करते हैं, और हम और हम सब आपस में प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। Yeah.
डन। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कहना चाहता हूँ। ये कह के आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ और इतना उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी एक ही शो करता जा रहा हूँ पिछले 8 साल से, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफकोर्स स्टार प्लस का काफ़ी प्रिविलेज शो है ये, बिकॉज करीबन 2050 एपिसोड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट टू बी वेयर वी आर। शो बनाने में बहुत लोगों की मेहनत है, चैनल से लेके प्रोड्यूसर से लेके एक्टर से लेके जो कैमरा के पीछे लोग काम करते हैं, सबकी मेहनत है। एंड हम लोग यहाँ इसीलिए है क्योंकि फैंस हमें देखते हैं, पब्लिक हमें देख रही है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। सो थैंक्स टू देम। शोबिज़ ऐसे ही होता है, देखिए पसीने निकल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन कपड़े हमें सही पहनने हैं क्योंकि हमें अच्छा दिखना है, तो ऐसा ही होता है शोबिज़। आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले कभी हुई नहीं है। A lot of new dancing techniques are being incorporated. अच्छा लग रहा है, अभी अब मैं opening act भी करने जा रहा हूँ, so you will see a lot of new things that you have not seen before in Star Parivar. परिवार की बात चल रही है, तो जानना चाहिए बच्चों से, नक्श एंड नायरा, नायरा को तो बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ मैं, सो आई थिंक मुझे काफ़ी मज़ा वही आता है जब मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ। ऑफ स्क्रीन भी दोनों से, नक्श और इनसे बहुत मस्ती करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट काइंड ऑफ रिलीज स्ट्रेस, बिकॉज बच्चे हैं, उनसे बात करना भी अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई रियली एंजॉय। थैंक यू गाइस, थैंक्स। इधर भी अच्छा, ये लो, ये भी लो, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये आउटफिट इन लोगों ने दिया, स्टाफ परिवार वालों ने, बिकॉज दिस इज माई ओपनिंग एक्ट आउटफिट, अभी हमारा ओपनिंग एक्ट हुआ है, सो इट्स फुल विद आई थिंक जरी वर्क है बहुत सारा, विद नाइस रेड डायमंड्स, और जो मेरी स्कर्ट है वो साउथ इंडियन थोड़ा टच किया है, बिकॉज मटीरियल होता है वो साउथ इंडियन में बहुत यूज़ किया जाता है, सो दिस इज द होल अटायर एंड आई पेयर्ड इट विद नाइस बिग इयररिंग्स। स्टार परिवार इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन एंड टुगेदरनेस, तो जब भी स्टार परिवार आता है तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड एक्सट्रीमली हाइपर, सो ये स्टार परिवार मेरा दूसरा साल है और मैं इस बार भी परफॉर्म कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि हम लोग सब धमाका करें। मैं अपने परिवार में से सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी माँ और अपनी सासू माँ से हूँ, सो इट्स ऑल माँ माँ, सो इस माँ एंड सासू माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। स्टार परिवार के साथ नया ही रिश्ता है, जैसे मैंने बोला कि मेरा दूसरा ही साल है, बट जैसे आप जैसे स्टार परिवार का लोगो है नई सोच, तो मेरा कैरेक्टर भी मीरा इज समथिंग लाइक नई सोच, तो आई कैन कनेक्ट विद दैट, यू नो, नई सोच। सॉरी, मैं अपने आप को मिमिक करके बता सकती हूँ, इफ यू वॉन्ट, आई कॉन्ट मिमिक एनी वन एल्स, आई एम गुड एट माई जॉब, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।
थोड़ा पीछे बस भाई एक्चुअली मेरा जो पिछले साल का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना है प्रेम लीला उसी पे आधारित है स्टार परिवार वाली प्रेम लीला आज मैंने गाया है और उस पे सारे स्टार प्लस के और जितने भी स्टार परिवार के एक्टर्स हैं और हीरोज हैं हीरोइंस हैं दे आर गोइंग टू परफॉर्म और जितने सिया के राम हैं साथ निभाना साथिया दहलीज हैं ये है मोहब्बतें तो इनके जितने भी मेन पात्र हैं दे आर गोइंग टू परफॉर्म एंड उनके बारे में अपने बारे में वो कहानी बताने वाले हैं थ्रू प्रेम लीला तो बहुत स्पेशल मोमेंट है आज मेरे लिए पहली बार स्टार परिवार अवार्ड्स अटेंड कर रहा हूँ और मुझे गाने का मौका मिला स्टार परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला बहुत बड़ी बात दो लाइनें अगर गुनगुना दे ऑडियंस के लिए वो गाने की जी सर हाँ है त्याग प्यार जिसमें है संस्कार जिसमें जिसने सिखाई हमको मर्यादा अरे उससे बड़ी ना होगी कोई प्रेम लीला राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला प्रेम लीला थैंक यू सो मच थैंक यू दादा पार्टी है ना हाँ सर हेलो गुरमीत आज थोड़े बिजी है तो वो नहीं आ पाए तो समा मुझे लगता है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों की तरफ से आई एम वेयरिंग अ पवन एंड प्रणव एंड बहुत ही बिकॉज इट इज़ समर तो आई एम वेयरिंग अ वेरी लाइट मिंटी समरी कलर ताकि देख के भी ठंडक महसूस हो भले ही ये गाउन बहुत भारी है और बहुत लंबा है बहुत फ्रिली है तो देख के अच्छा लग रहा होगा एंड बिकॉज इट इज़ समर एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट आई एम लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस थैंक यू सो मच स्टार परिवार अवार्ड है और स्टार के साथ टाइम से जुड़े हुए हैं फॉर सम रियलिटी शोज और किसी शो में डांस करना डांस के साथ ही जुड़े हुए हैं राधा तो स्टार परिवार अवार्ड में आए हैं टू विश द स्टार परिवार पीपल लॉट ऑफ लक थैंक यू Tell me when. मेरा एक्सपेक्टेशन हमेशा हमेशा धमाल ही होता है स्टार परिवार इज ऑलवेज द बिगेस्ट शो ऑफ द ईयर एंड पिछली बार की तरह आई एम श्योर दिस ईयर ऑल्सो बी रॉकिंग माई वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली इस बार मैं कहना चाहूँगा द रीजन वाई एज यू सी आई एम नॉट वेयरिंग अ सूट इवन इज बिकॉज महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में कई जगह पानी नहीं है ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है आज मैं आके सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गाइज ये जो पानी है बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है
प्लीज़ लेट्स मेक श्योर दैट वी सेव वाटर. एक एक बाल्टी में नहाना सीखे. मेरी अम्मी ने बहुत ही छोटी उम्र में हमसे कहा था कि बच्चों पानी ख़त्म हो जाएगा एक बार दुनिया में, तो तब से आज तक मैं बाल्टी में नहा रहा हूँ. सो प्लीज़ आई इफ़ यू लव मी, इफ़ यू लव दिस वर्ल्ड, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब एक बाल्टी पानी में नहाने की कोशिश कीजिए. थैंक यू सो मच, लव यू. नहीं नहीं रईस में, इनफैक्ट इट्स वियर्ड, मैं कल ही शाहरुख के साथ बैठा था कल रात. इट्स बीइंग मेड बाय, रईस इज़ मेड बाय राहुल ढोलकिया, बड़े करीबी दोस्त है, एंड फरहान एंड रितेश हैव बीन ओल्ड फ्रेंड्स. कमिंग टू फैन, तो मैं रईस में हूँ नहीं, रईस में मेरा दिल है बिकॉज आई लव द फिल्म. फैन वॉज लवली. मेरे दो साल पहले मुझे, सिंस आई स्टार्टेड एक्टिंग, मैंने कहा कि मेरी शाहरुख खान से बहुत बहुत पुराना ही रिश्ता नाता है. सो आई सेड यार मेरा ड्रीम है बिफोर मैं मतलब बड़ा जब फिल्म स्टार बन जाऊंगा तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि भाई शाहरुख के हाथ के मार खा रहा हूँ. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी दैट यू नो आई गॉट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद शाहरुख इट्स सो अर्ली ऑन इन माय करियर. और जिन लोगों ने देखी है पिक्चर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग इट. यार मैंने कभी फिल्म और टीवी में अंतर नहीं देखा है. मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं करता हूँ. एक शो था अभी बहुत ही बड़ा हिट शो हो गया, करने वाला था पर प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, मुझे बहुत दूर शूटिंग थी तो जा नहीं पाया. हाँ डेली था और मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता हूँ. बट इट्स अ लवली शो, आई एम वेरी हैप्पी. बट फिलहाल दो फिल्में आई है, इंशाल्लाह आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट द मोमेंट आई नो समथिंग मेकर्स जब बताएंगे तब मैं आपको खुल के बताऊँगा. जी मैं मेनली तो उसी के लिए आया हूँ, दो चीज़ें थी, पानी थी और अंधेरी है. मुझे तो कोई अवार्ड मिलता नहीं, कोई देता ही नहीं मुझे अवार्ड यार. इंशाल्लाह समटाइम सून, बट अभी अंधेरी को जाऊँगा, बड़ी सी जोर की झप्पी दूंगा, एंड देन आई कम बैक, और बिफोर आई लीव आई सी ऑल अगेन एंड लव यू गाइज. सबको बाइट करना पड़ेगा. सबको आई एम नॉट दैट हंग्री टुडे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग वेरी प्रीटी, टेल अस अबाउट द आउटफिट. मेरा तो एज ऑलवेज माय मदर इन लॉज क्रिएशन. वी सैट डिसाइडेड ऑन अ डिजाइन एंड गॉट इट स्टिच्ड इन 2 days. एंड माय ड्रेस वाज गिफ्टेड टू मी बाय रोशनी सो फॉर मदर्स डे, सो आई एम वेयरिंग इट बिफोर. मदर लव हैपनिंग हियर. ओके स्टार परिवार आज कितना एक्साइटमेंट है, कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आप? वेल आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग फॉर माय फिल्म अकीरा इन बोरिवली एंड आई कुडंट रीच हियर, और बाय देन करण को सारे अवार्ड्स मिल गए थे. And I know कि उसको सारे awards उठाने में बहुत मुश्किल हुई थी, तो इस बार मैं उसकी मदद करने आई हूँ, so that you know it's easy for him to take away all the awards back home. और मैं ज़्यादा बलवान हूँ तो मैं और ज़्यादा उठा सकती हूँ. हाँ, इस बार extra आएंगे तो दीदी उठा लेंगे. अच्छा, काफी confidence है, I think कि इतने awards ले ही जाएंगे करण आज. Of course, I think I'm the biggest fan and the critic he's got back home, and he is a hard worker. He's doing a brilliant job, and it's just the beginning. So positive and. And I don't call it Star Parivar Awards, I call it Karan Parivar Awards. Karan Parivar Awards, yeah. Okay, aur bhi kaafi performances bhi Karan ke hone wale hain, saath mein ek romantic actor hai Kishita ke saath. So, seen the rehearsal. You've seen the rehearsal, kaisi lagi? Beautiful. And also that song, Jis Pe Ye Log Dance Karein, that's my song for Karan. It's always been my song for Karan. So I was more than happy to know ki wo log is pe perform karein, because that's one song that I feel for. No,
I have a feeling that had Raman and Ishita Jodi Awards, right? If not I'm mistaken. So how does that make any difference to me? Raman and Ishita. Karan and Ankita ki jodi yahi rahegi hamesha. It's such an unfair thing to ask. Aww. I'm close to everybody. We're close to the entire family. Aur hamari family sirf, she's not my family in terms of blood relation, but I call her Sweetie D and I am she's my little sister. So family ka to aisa hai ki jitna bade utna acha hai. I know. तो आप पूछो कि कितना आसान नहीं है ये, क्योंकि क्या है संतोषी माँ में आई एम प्लेइंग अ वेरी संतोषी माँ में एक सीधा साधा बंदा जो भक्त है भगवान का, और एक तरफ दूसरा संकेत जो बहुत इविल है. तो पूरा कैरेक्टर में मतलब अपसाइड डाउन है. एक जगह मैं कहता हूँ जय संतोषी माँ और एक तरफ कहता हूँ इनकी बैंड बजा दूंगा. तो ऐसा है. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही नहीं हूँ, मैं दोनों का कहीं बीच का हूँ. कहीं मतलब एक संतोषी माँ का एक सीधा साधा बंदा बट इतना इविल भी नहीं हूँ और मस्ती घोर हूँ जैसा संकेत है. और आप ये देखो कि कोइंसिडेंस की बात कि दोनों में मेरा नाम संकेत है. ये एक अजीब ही संकेत है. लेट्स सी यार, मैं तो लास्ट टाइम भी आया था तो बहुत मज़ा आया था, तो आई एम श्योर कि हाँ आज भी काफ़ी मज़ा आएगा. आप लोग इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, इसके बाद तो पक्का करोगे. आफ्टर पार्टी होगी. आफ्टर पार्टी करेंगे ना. और आज तो मेरा ये मेरा भाई भी आया हुआ है, संतान कर रहे हैं हमारे. हाय, माय सेल्फ सुमित सामना निहाल होगा इस. हाउ आर यू ऑल? तो आज तो फुल ऑन मस्ती होने वाली है. आज तो डांस होगा, पेट हिला हिला के डांस होगा आज तो. थैंक यू. Gagan Da, so he designed this for the awards. Yeah, it's very beautiful. Thank you so much. So I've tried to look like Sonam Kapoor. So yeah, I really look up to her because I think she's the fashionista and I want to be like her. So yeah. Okay, I am really looking forward to see Shilpa ma'am's and Kajal's, everybody's performances, and I've never been to an award before, so excited to see like how it's going to be. So yeah. It feels wonderful. I want to work more and be probably nominated next year. So yeah, looking forward to it. Thank you so much.
गार्डन आप मुझे पहचान भी पा रहे हैं क्या मैं कौन हूँ कम्प्लीटली अपोजिट है क्योंकि आज मैं लड़की बनी हूँ आफ्टर 30 डेज अदरवाइज तो मैं छोटे बालों में काला टाइप रहती हूँ सो मैं आज लड़का से लड़की कन्वर्ट हो गई और कैसी लड़की बनी वो तो आप देख ही रहे हैं We love each other a lot. कितने एक्साइटेड हो आप? हाँ जी हम दोनों का परफॉर्मेंस है लाइट्स नाचो पे तो हम लोग रॉक करने वाले हैं ओके हम बहुत एक्साइटेड हैं हमारी इशिमा के लिए है ना अच्छा व्हाट रूही व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम यू फॉर बिकमिंग रूही I got the mole from Ruhi. Then you make me learn Ishima, my real name. Yes. So she made me learn everything. First of all, her mole, then her name, then Ishima. How she says Ishima? Say Ishima. Ishima. How do you like the Timu? What? How do you like the Timu? Timu is really loud. She watches too much of TV. Okay. And she loves. साजन का ससुराल थैंक यू कम This is my first show with Star as a protagonist. So yeah, main protagonist. I'm very happy. Really? I don't know. I don't know this. But I seriously have no idea about this. Rohini, is this thing is happening? I don't know. Seriously. See, I love wearing Indian
costumes. Like I love wearing saris, so I'm here in sari. So what do you want to do? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस समय, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज वन ऑफ माई शोज इज डूइंग वेरी वेल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द परिवार, सो इट्स वंडरफुल एंड इट स्टार इज ऑलवेज बीन समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू बी इन एंड आई थिंक विद ऑल दीज माइक्स आई नो हाउ पॉपुलर इट इज, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस परिवार नाउ. या वेल एवरीबडी इज डिजर्व व्हाट दे हैव गॉट, सो नाउ लेट्स सी हू एक्चुअली विंस आउट ऑफ इट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर माई एक्टर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस हू अपेरेंटली गॉट द नॉमिनेशंस. It's wonderful to be a producer on a show which is really doing well and people are loving it. So I hope that we all get all the awards. Thank you. Thank you so much. It's designed by my friend. I mean, I'm stylized by my friend called Tanya Oak. और हमारे शो पे वो डिज़ाइनर रह चुकी है इससे पहले, सो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विथ हर. सो बहुत ही जल्दी मैं ऐसे, मतलब दो दिन रह गए अभी फिनाले के लिए और मुझे कुछ पहनना है, तो यू नो शी हैज़ रियली वर्क्ड हार्ड ऑन मी और वी आर टुडे, दिस इज़ व्हाट आई एम. सो थैंक यू तानिया. It's all stylized by Tanya, as I said. So she arranges everything for me. So yeah, that's it. बहुत ज़्यादा privileged feel कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा. It's an honor to be a part of Star Group, Star Plus. It's such a huge network और बहुत ही बढ़िया channel है. बहुत, मतलब it's one of the leading channels of our country. So being a part of such parivar is an honor for me. और पहली बार मैं ये सब इतना बड़ा award function experience कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और I'm really thankful to Star Plus for giving me this opportunity. बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको धरा का कैरेक्टर पता है तो शुरू से अगर आप देखते आए हो तो शी इज़ वेरी फेमिनाइन. उसे नेल पॉलिश लगाना बहुत अच्छा लगता है, ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है, नाइस सलवार कमीज पहनना अच्छा लगता है, बट क्रिकेट के ग्राउंड पे जब वो जाती है तो उसे वो वाइट कपड़े उतने ही पसंद है, तो आई थिंक वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. सो आई थिंक दिस डिडंट टेक मच टाइम. मेरी दो परफॉर्मेंसेज है, वन इज़ अ क्लोजिंग एक्ट एंड वन मैं एक पटाखा गुड़ी सॉन्ग परफॉर्म कर रही हूँ जिसमें बाइक स्टंट करूँगी. तो दो परफॉर्मेंसेज है और फिनाले बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग होने वाला है, सो आई एम ऑल यू नो सेट टू गो इनसाइड एंड हैव फन. मेरे परिवार में मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ मेरे पापा से. हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा इक्वेशन शेयर करते हैं और मेरी जो कोई भी आज तक की तमन्ना है वो सारी उन्होंने पूरी की है और ही हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी सेइंग दैट यू नो यू हैव टू परस्यू योर ड्रीम बिकॉज ही नोज दैट माय ड्रीम्स नेवर डाई. सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी सपोर्टिंग फादर और मैं सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे फादर से. इसका श्रेय बीवी को जाता है, मेरे पास समय नहीं था कपड़े खरीदने का, फिटिंग्स का, ट्रायल्स का, तो जो अरेंज किया सब उन्होंने किया है. तो इस तरह से सीता आती है बचाव के लिए, मेरी अपनी सीता बचाव के लिए आई मेरी इस बार.
एक्साइटेड ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब एक मंडे से रूटीन में चले जाते हैं और हम हैदराबाद में शूट करते हैं, वहाँ पे हमारे लिए कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक दिन का ब्रेक है, हंसी खुशी है, मजाक है, सेलिब्रेशन है, परफॉर्मेंसेज हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। जी नहीं, राम का गेटअप ही अच्छा होता है, बिकॉज आई थिंक वो अगर आप अपने ऊपर आवरण चढ़ा लें उसके बाद में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे परिवार में मैं ऑब्वियसली अपनी बीवी सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ और उसके बाद मैं अपनी पिता से बहुत क्लोज हूँ। आप ये लड़कियां बेहतर समझ सकती हैं कि बालों को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। मैं धीरे धीरे समझने की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अब पता लगा कि लोग जब जेल से छूटते हैं तो उन्हें कितनी खुशी का एहसास होता है, तो मुझे उसी खुशी का एहसास होता है। वेट बस बस बस, थोड़ा पीछे। लेकिन मैं सीता के अवतार में ही बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। इट फील्स ग्रेट, थोड़ा सा चेंज फिर से मिला है कि मैं अपने स्वयं के कपड़ों में आ सकी हूँ और आप सभी को अपना टाइम भी दे पाई हूँ, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है और मैं बहुत कम बाइट्स दे पाती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का प्यार है जो हमें यहाँ तक पहुँचा पाया है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारा सीरियल इतने मन से देख रहे हैं और इतने ही मन से हम बना भी रहे हैं। सी एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं, लेकिन मस्ती धमाल तो हम बहुत करेंगे, क्योंकि बहुत कम मौका मिल पाता है कि हम शूट के दौरान बाहर निकल पाएँ। तो मस्ती तो मतलब फुल ऑन प्लान है, अब यहाँ से सीधे पार्टी में ही जाएंगे। हमारा मेरा और राम सीता जी और राम जी के परफॉर्मेंसेज, एक परफॉर्मेंस दिया है हम लोगों ने जो कल हमारा शूट हो चुका है, तो आई थिंक आप लोग देखेंगे। ये तो बहुत भारी सवाल कर लिया आपने। जिस तरीके का कैरेक्टर मेरा मैं प्ले कर रही हूँ, सीता जी के लिए सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वो सभी से इक्वल प्रेम करती है, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम क्लोज है, कोई ज़्यादा क्लोज है, सभी इक्वली मेरे लिए क्लोज हैं। आई एम वेरिंग नीरूज फ्रॉम हैदराबाद, दे हैव गिवन मी नाइस रेड कलर, डीप कैरेट कलर कॉस्ट्यूम एंड इट्स अ डिज़ाइनर पीस फ्रॉम नीरूज एंड आई एम रियली फीलिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आफ्टर वेयरिंग दैम। अच्छा ऐसा कुछ है।
नहीं, मैं राइट नाउ आई एम ओनली मदिराक्षी, मैं सीता के किरदार में नहीं हूँ, इसीलिए मैं इतनी बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं होता है कि हम बाइट्स दे पाएँ. तो दिस इज़ वॉट आई एम, जो आप मुझे देख रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, लाइक एन ओपन बुक, यू कैन रीड मी. एंड सीता जी से अगर मैं अपने आप को थोड़ा भी कंपेयर कर सकती, कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट देन अगर मैं उनकी उन तक रीच करूँ तो लिटिल पेशेंस एंड काम एंड कंपोज्ड आई एम इन माय पर्सनल लाइफ एंड आई एम लविंग बीइंग सीता. थैंक यू वेरी मच. जय सिया राम. Wait. थोड़ा पीछे. देवू, यू नो हिम, राइट? हमको आसान है. नो हिम. सब तो जानते हैं, एटलीस्ट चार वाले तो सब जानते हैं आनंद को, कौन नहीं जानता. थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. पूछो. ओके, दिस इज समथिंग एल्स. जो मेरी डिज़ाइनर है उन्होंने, शी हैज़ डिज़ाइन दिस, एंड जो मेरी यू नो हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस इज त्रिशा जैन. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक त्रिशा फर्स्ट फॉर दिस, जो ये किया है. दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट देन आई वेयर यूजली, बिकॉज आप देख रहे हैं नथिंग मच, बट येस पूरा एक फ्रॉम गाउन जैसा होता है, ड्रेस होता है वैसा है, और उसमें ये एम्ब्रॉयडरी किए हुए बिग बिग फ्लावर्स आते हैं. सो इवन पर्सनली भी मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये ड्रेस अच्छा लगा होगा. काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है स्टार प्लस से, क्या कहेंगे इतने टाइम बाद फिर से यू आर पार्ट ऑफ स्टार. यार, दिस इज समथिंग कि लोग सपने देखते हैं. मैंने सिर्फ सपने को महसूस किया था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ट्रूली आई एम ब्लेस्ड कि येस मेरे ये चार साल कैसे निकल गए स्टार परिवार में. चार साल मतलब ख़त्म करके मैं पाँचवें साल में पैर रख रही हूँ. सो येस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे. एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स फॉर दिस, ऑल माई फैंस, माई क्रिएटिव, मतलब जितने भी लोग मेरे शो से मुझसे जुड़े हुए हैं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी. आई एम सो 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 हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू. फिलहाल तो मैंने दो परफॉर्मेंसेस कर लिए हैं. इस बार इस परिवार में मेरे दो ही परफॉर्मेंसेस हैं, एक रोमांटिक है एंड एक सोलो एक्ट है. एंड आई एम श्योर कि आप सबको इस बार भी बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज इस बार बहुत ही अलग है, बहुत ही यू नो जो करते आए हैं उसमें से ये बहुत ज़्यादा अलग है. नॉमिनेशंस को लेकर हर कोई एक्साइटेड होता है. सो ऑफकोर्स मैं भी एक्साइटेड हूँ. डेफिनेटली तीन नॉमिनेशंस है फेवरेट माँ, तो हमारी इशिमा ले गई हैं, इशिमा को मिल चुका है. सो फेवरेट माँ है, फेवरेट बहू है, फेवरेट पत्नी है. सो होपफुली लेट्स सी एक्सपेक्टेशंस क्या है क्या नहीं है, ये तो मतलब अंदर ही रहे तो अच्छी बात है, बट फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा ही होगा. ऑनेस्टली मेरे बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं क्लोज हूँ. हेतल काकी है, गौरा मैम है, सबसे ज़्यादा मैं इन दोनों से क्लोज़ हूँ. विशाल है, अहम है, मीरा है, एंड आई कुड से तोलू मोलू है. बट येस, अगर
बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ तो मैं हेतल, गौरा, मीरा, विशाल एंड अहम जी के साथ क्लोज हूँ. थैंक यू. Rolling in action. So do I have to be in the character right now? Okay, thank you so much. Means I can talk in English. Okay, बहुत मज़ा आ रहा है एंड मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड्स है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कल प्री शूट था एंड आई परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द क्लोजिंग एक्ट्स सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीबडी एंड सी द परफॉर्मेंसेज. इट्स फ्रॉम अंश कुशर एंड वेरी एलिगेंट एंड अ सिंपल ड्रेस. So that's how I like being carried. So I'm just waiting to hear the results क्योंकि काफ़ी सारे नॉमिनेशन है. भाभो का है, संध्या का है, इवन वेद का है जो संध्या का बेटा बना है. सो आई एम लुकिंग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देखते हैं कितने मिलते हैं दी और बात. प्राची आरजू का लुक ना मुझे 10 साल बड़ा कर देता है. बल्कि मैं जब पाकिस्तान से आई थी आई थिंक दैट लुक वॉज बेटर बिकॉज दैट वॉज ऑफ अ सिंपल गर्ल इन अ कुर्ता एंड इन अ प्रॉपर सूट विदाउट द ज्वेलरी एंड द साड़ी एंड द पल्लू. बट आई थिंक दिस आई एम मोर कम्फर्टेबल इन दिस. राठी परिवार में आई थिंक दे आर एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी. सूरज भाईजान इज़ प्लेइंग रोल ऑफ माई एल्डर ब्रदर, भाबो एज अ मदर, संध्या भाभीजान एज अ एल्डर सिस्टर. सो आई थिंक आई एम क्लोज टू एवरीबडी आउट देयर एंड आई रियली इन्जॉय वर्किंग विद दैम. थैंक यू सो मच. Okay, do I have to say anything or are you done with the big stars? Tie batao, see, Naveen, tights, theek hai? Please tell me the look is fine. Okay. I feel very good and I'm so proud कि ये है मोहब्बतें. 2 साल के बाद जो audiences का favorite show था अभी genuinely सभी audiences का across India and across the world it's the number one show for everybody and I'm very proud that I'm part of the most progressive show. और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा
क्योंकि लीप के बाद हमारा शो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि मैं खुद आजकल YHM मिस नहीं करता। यार मुझे पता नहीं मेरा नॉमिनेशन है कि नहीं, अगर मैं नॉमिनेट हो सकता हूँ, मुझे किसने बोला है, बिकॉज आई डोंट नो, बट आई नो दैट करण एंड दिव्यांका विल विन, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये है मोहब्बतें हैज़ टू टेक द अवार्ड नॉट ओनली फॉर द बेस्ट शो इन द कंट्री बट ऑल्सो फॉर द बेस्ट ऑनसॉम्बल कास्ट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड कास्ट ऑफ एक्टर्स। एंड वन पॉइंट ऑफ नोट, जो नए एक्टर्स हमारे शो में आए हैं लीप के बाद, आई थिंक दे आर फिनोमिनल। इट इज़ सो गुड दैट कि ये शो ने लीप के बाद भी अच्छे एक्टर्स कायम रखे। तो आई थिंक ये जो शो है, जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव डेली सोप है इंडिया में, आई थिंक बाकी शो से ज़्यादा मॉडर्न है। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एकता कपूर एंड संदीप सिकंद एंड स्टार प्लस, एंड आई थिंक वी शुड विन ऑल द अवार्ड्स। अच्छा, इसके बारे में मैं लंबी चौड़ी कहानी बताता हूँ। एक मैं एक फिल्म कर रहा था बहुत बड़ी, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, जिसमें मेरी तीन चार मूछें थी, क्योंकि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। मैं आपके लिए स्पेशली इस चैनल के लिए बोल देता हूँ कि मैं राम गोपाल वर्मा की वीरप्पन कर रहा था, जिसके लिए मेरा 25 दिन का आउटडोर था। जब लीप आया तो सबके लिए अलग लुक्स आए जो बहुत वर्क हुए। जब मेरा टाइम हुआ, संदीप सिकंद ने बोला कि मूछें ट्राई करो। मैं सच बता रहा हूँ, जब वो मूछें लगी मुझे, मुझे लग रहा था कि लीप में शायद मैं खुश नहीं होऊंगा। लेकिन आज की डेट में मैं जब रोज़ आजकल YHM के लिए शूट करने जाता हूँ, जब वो मूछें लगती हैं, मेरे दिमाग में मैं 1970s का एल पचिनो हूँ स्कारफेस में। वो अलग बात है कि मैं हिंदी में डायलॉग बोल रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, बट आई लव द लीप प्राइमरली फॉर द एक्टर्स। एंड मैं जनरली एज अ टीवी व्यूअर डेली सोप्स नहीं देखता, लेकिन जब से लीप हुआ है मैंने 3 हफ्ते से एक एपिसोड YHM का मिस नहीं किया। आई वॉच इट बिकॉज इट्स बिकम सो इंटरेस्टिंग, एंड हैट्स ऑफ टू एकता कपूर एंड संदीप सिकंद एंड स्टार प्लस फॉर जेन्युइनली कीपिंग YHM एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंटरेस्टिंग डेली सोप अक्रॉस ऑल चैनल्स। आप मुझे एक चीज़ बताइए, विच इज़ अ डेली सोप बेटर देन YHM? ऑनेस्टली देखो, एक टाइम था कि शायद वी आर फाइटिंग विद, बिफोर द लीप वी आर फाइटिंग विद डिफरेंट चैनल्स, बट बिकॉज ऑफ द भूत प्रेत एंड ऑल दैट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट स्टोरी इज सो ओरिजिनल, सो इंटरेस्टिंग, एंड आई जेन्युइनली फील आई एम समबडी हू वॉचेस मैड मैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, ऑल दीज शोज, बट YHM आई थिंक इज अ फिनोमिनल इंडियन शो। मैं कर्नाटका में जब फिल्म के लिए शूट कर रहा था, वहाँ पे सबने पहचाना। विशाखापट्टनम गया, वहाँ पे सबने पहचाना। हाउ इज़ इट दैट द साउथ इज सो कनेक्टेड टू अ नॉर्थ इंडियन डेली शो? इट्स अमेजिंग एंड इट्स अ फिनोमिनल शो, एंड आई थिंक आफ्टर द लीप इट्स बिकम फार बेटर। मामू, यू नो व्हाट, वन सेकेंड, आई हैव नेवर मेट दिस गर्ल, and I must say one thing, this is what I was saying before, this boy is the energy in the show, this girl who I've just met for the first time, this is a khulasa, maine abhi tak iske sath shoot nahi kiya, she's so beautiful, and that third girl who's playing the grown up Ruhi, wo itni achhi actor hai, all three of them, you can't believe that they are such good actors, and the reason YHM has always succeeded, keeping aside the creative, the production, is because of its team of actors and the young kids. Come here, girl. Beautiful girl. Thank you so much. Okay, I am with my young cast. Okay, now you say. मैंने अभी तक करण के साथ शूट किया है, आदि के साथ शूट नहीं किया है, इनके साथ भी शूट नहीं किया है, so हम पहली बार मिल रहे हैं basically. I hope I don't have a love interest in the show, and I know I've gone up by 7 years. But I would love to be paired with Alia because finally, Mamu, ये मेरी है अभी, शायद. It's okay, you can go. But she's such a good actor. Do not go only by the beauty of an actor. She's a good-looking girl, but she's so good. Thank you so much. All three of these kids, 1, 2, and Rohanika, I don't know the new, such good actors.
And that is what keeps YHM. I'm grateful to the creatives and Ekta that they picked up not only good faces, but they picked up good actors. So dedicated. This boy, I've been working with him, so I'm looking forward to working with this beautiful girl. Are you guys leaving? No, no. No. And I'm supposed to love both these kids. I'm waiting to work with Alia and Ruhanika. This boy I've been working with, such a good boy. Such a good boy. And I think ye aur iska baap, abhi hum log kafi scenes kar rahe the. Sabko thappad pade hain YHM mein. Thappad bahut pade. He itni jaldi inauguration ho gaya Raman se thappad padne ka. Itni jaldi. By the way, are you both getting together? Show mein? Ye audiences ki mujhe pata. Oh! Main show ki hi baat kar raha hu. Khulasa, khulasa. Pan, pan. Are zoom in karo, bullet maro. Bullet maro. Yeah, show mein. Show ki hi baat kar rahe hain, abhi wo kuch pakka nahi hua. Alia, you don't have any time, so okay. हाँ मेरे इन्हीं के साथ सीन हुए हैं, मेरे मामू के साथ ही मेरे सीन हुए हैं और जिस मामू मुझे बोलने दो, अरे मामू मुझे बोलने दो, आज बोलने दो, आज बोलने दो। थप्पड़ खाने के बाद भी मामू ने कहा, मतलब मेरा पूरा सपोर्ट किया है मेरे मामू ने हर जगह, और पापा से जो मेरे को थप्पड़ पड़े हैं गाल पे जोर जोर से, पर वो चीज़ मेरी परफॉर्मेंस बाहर लेकर आई है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके, एंड दे आर लवली, दे आर सुपर, थैंक यू सो मच। So, new cast of YHM, do not forget, this show not only is the number one show in the country, not only is it the most successful show, it's the most path-breaking show for the last 2.5 years, and these two kids and Ruhanika, who's missing, are going to carry forward the legacy of Ye Hai Mohabbatein. Thank you Ekta Kapoor, thank you Sandeep Sikand, thank you Star Plus, and thank you audiences and all the fans for keeping that love alive for all of us. Thank you so much. Yeah, sure. All right. ये मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। Can ask us any more questions? We're inside जाके अभी बोर ही होने वाले। But Star Plus, keep it up. Number one show in the country. Yeh Hai Mohabbatein. Give it up for the young cast of Yeh Hai Mohabbatein. And please ask them more questions. Krishna, right? Krishna is a... I've met you, right? No, not like that. Right, so, are we done? Oh, where is it? This is a show I'm Come, let the lady in the center. एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, एक साल में एक ही बार ये ऐसा मौका मिलता है जब हम पूरे परिवार से मिल पाते हैं, तो आज वो मौका मिला। लास्ट ईयर इन लोगों से मिला था मैं 2015 में, और अब 2016 में फिर से इनसे मिला हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है कभी सब लोगों से मिलने का, कोई अवार्ड भी नहीं होता, सिर्फ एक ही होता स्टार परिवार अवार्ड्स, तो सबसे बहुत अच्छा लगा मिलके। काफ़ी नॉमिनेशंस है और लेट्स सी, अभी चल रहे हैं पूरा परिवार, अभी जो शो है चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैंने दो गानों पर परफॉर्म किया इसमें, एक तो था मल्हारी जो कि रणवीर सिंह ने जिसपे परफॉर्म किया था बाजीराव में, तो बहुत ही पावरफुल एक्ट था, बहुत ही मज़ा आया करके, फायर एक्ट था, जो फायर थी वो हर जगह थी, तो बहुत मज़ा आया करके। मैं अपने परिवार में से एक्चुअली मम्मा पापा और नायरा तीनों से बहुत क्लोज हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि हम चारों को कोई ना कोई अवार्ड मिले। Done? Done. 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 Done.
सबके गांव में हैंडपंप लगेंगे। रेडी स्टार परिवार अवार्ड्स के लिए मेरे पास मतलब मेरे को बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और आज इस बार आपको पता है मैं अच्छा सूट वूट भी पहन के आया हूँ, लास्ट टाइम अवार्ड में नहीं पहना था। बट यार इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम परफॉर्मिंग, आई एम नॉमिनेटेड फॉर अवार्ड एंड आई एम होस्टिंग द शो। सो तीन चीज़ें एक साथ हैं, काफ़ी काम मिल रहा है। जो मेरा न्यू सीज़न आ रहा है डांस प्लस टू का, उसमें बहुत ही नया नए नए चेहरे आपको दिखेंगे एंड बहुत तोड़फोड़ और बहुत धमाल होने वाला है। और जिस हिसाब से मेरे को आज यहाँ रखा है, मैं बिल्कुल नेता लग रहा हूँ और सबके गांव में हैंडपम्प लगेंगे। सो प्लीज़ वॉच डांस प्लस गाइस, बहुत ही झिंगाड़ा सा होने वाला है एंड यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई। अभी मेरा सूट भी बहुत अच्छा है, देखिए आप, इट्स अ पोल का डॉट। सो थैंक यू स्टार। यस दिस इज़ फॉर द क्रॉकरोच, जिंदा होता है वो रात को 12 बजे के बाद, ध्यान रखना। वो एक्चुअली अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि वो होस्ट है कि नहीं है, लेकिन अगर वो होंगी तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बिकॉज आई लव हर एंड शी इज़ द 3C गर्ल। लेकिन जिस जगह हम शूट करते हैं वहाँ किसी चीज़ के नेटवर्क नहीं आते, कोई भी ले आओ आप तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बट यार शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ फ्रॉम देहरादून एंड मेरी जगह से हैं वो। सो अगर हमारा होगा साथ तो वो डबल हो जाएगी एनर्जी, इट विल बी डबल। सो स्टार परिवार अवार्ड्स देखना ना भूलिए, टाइम पता नहीं। ओके, ये अनुष्का है मेरी बेटी एंड शी इज़ अकम्पनिंग मी फॉर स्टार परिवार बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर 20 years लाइव ऑन स्टेज। So she came to cheer me up and make sure that her mama was good. Okay, new association is starting. How excited are you for this? I have always been very excited when I signed the show. I was always looking forward to working with Star Plus, to be honest, and it is like a dream come true. So I mean for me, what else can I say? Well, I've been nominated for the best Ma and I hope I get it, not because I play Janki in Silsila, but I hope I win it because of her, because that will be an achievement for me, because yeah, just that's how it is. Main sabse zyada Kamini se close hu kyunki hamare bahut scenes hue hain saath mein. और मैं इट्स अ प्लेजर टू वर्क विथ हर बिकॉज वो एक है जो जानकी को हमेशा इंस्टिगेट करती रहती है और जानकी उसको हमेशा उसको लुक देती है, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह बोलती रहती है। तो मेरा अटैचमेंट कामिनी के साथ मोर देन कामिनी, इट्स लाइक फॉर दिव्या। सो या Well, the look is they wanted me to do a song on from a film Gunde, which is Astalave Ishq Yara, that one. So they wanted me to dress up a little different, and they made me put flowers in my hair, and they took my bindi away, and they decided to give me net instead of Banarasi saris. So yeah, it's okay for a couple of hours, I guess. Thank you, bye. वंडरफुल, हमारे लिए सबसे बड़ी छुट्टी थी ये, सबसे लंबी छुट्टी मिली हमें हैदराबाद में शूट करे सिया के नाम।
तो स्टार परिवार अवार्ड्स के बहाने में यहाँ पे आने का मौका मिला है बॉम्बे में दो दिन, एंड इट्स ब्यूटीफुल आउट देयर. विशिंग दैट ऑल द बेस्ट टू राम एंड सीता, दे आर नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड्स फंक्शंस, एंड बहुत खुशी हो रही, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, एंड सबसे मिलने का भी मौका मिला इस बहाने. सो इट्स काइंड ऑफ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन, एंड यस, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन. वेरी मच रिलैक्स्ड, काफ़ी इजी फील कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मण एक लंबी सी विग पहनता है, भारी सी विग यहाँ पे लटकाई रहती है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, वहाँ पे भी एक ट्रेडिशनल अवतारी है वहाँ पे मेरा, और यहाँ पे भी हमें फॉलो वही चीज़ फॉलो करने को की गई है. सो इट्स काइंड ऑफ लिटिल सिमिलर. या दिस इज समथिंग, इट्स कुर्ता, बट इट्स काइंड ऑफ शेरवानी स्टाइल एक्चुअली, एंड आई फील दिस इज समथिंग दैट एप्ट फॉर दिस मोमेंट, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द ट्रेडिशन. सो या दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. या महीने में एक बार हम 12 घंटे की शिफ्ट वहाँ पे करते हैं रोज, और बॉम्बे में भी हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, दिन में ये लोग भेजते हैं, रात को वापस बुला लेते हैं. तो कभी ऐसा बोझ रहता है कि यार कल फिर से जाके मुझे नई शिफ्ट करना है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं. ये फीलिंग थोड़ी सी रहती है, लेकिन हम पैदा इसलिए हुए, हमारा ये ख्वाब था कि हम काम करेंगे, ऐसा ही कुछ काम करेंगे, तो फिर वो चीज़ जो होती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए और भी मजबूर कर देती है. लीप के बाद बहुत मज़ा आ रहा है. दरअसल क्या हुआ है कि हम 7 साल आगे बढ़े हैं, पर ऐसा देख के सबको लग रहा है, सारी कास्ट को देख के लग रहा है कि हम 7 साल पीछे चले गए, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ. हाँ, यंग हो गया सब, मेरी सासू माँ साड़ी से सूट में आ गई, दादी जो थी वो भी एकदम यंग दिखने लगी, वो तो खैर हमेशा ऐसे दिखती थी. और लीव के बाद मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मज़ा आ रहा है, पति के पति से दूर है उसका उस बात उसका तो अलग मज़ा है, आपको वो तो सबको पता है. मैं अगर अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे पहले वाला लुक ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था, मुझे वो सुहानी, हाय कृष्णा, मुझे वो सुहानी बहुत पसंद है असल जिंदगी में. और मैं विश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द पुरानी सुहानी बन जाऊँ. हाँ, मैं मेरा आउटफिट जो है आज पूरी तरीके से अलग है, सुहानी में कभी मौका नहीं मिलता है, सुहानी में मेरी शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ आपको खुद अपने पसंद के आउटफिट पहनने का मौका मिलता है, तो खुश हूँ जैसे आपको दिख रहा है. दो थे, एक तो ओपनिंग एक्ट था और एक था नगाड़े संग गोल बाजे, तो फाइनली दोनों कर लिए. थैंक यू. यहाँ पे कैमरा लुक. Yeah. Goal. Okay. Goal.
थैंक यू सो मच. इसका यस ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट जाता है मेरी स्टाइलिस्ट को, हेमू को, हेमलता. एंड ये जो कॉस्ट्यूम है ये राहुल कपूर लुधियाना से हैं, जो 6 मंथ से ये चाहते थे कि मैं ये ड्रेस स्टार परिवार में पहनूं, बट मैं रिजेक्ट कर रही थी बार बार, बिकॉज इट इज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कभी इस तरह का अटायर, यू नो, आप सबने कभी मुझे हैवी अटायर्स में स्टार परिवार में नहीं देखा होगा इस तरह के. तो ये बहुत ग्रैंड ड्रेस है, बट मेरे हस्बैंड रोहित को भी ये बहुत पसंद आई, तो पहले मैंने उनको सेल्फी भेजी इसमें ड्रेस में, तो उनको भी अच्छी लगी. एंड इस ज्वेलरी इज़ बाय रूपा वोरा. So I am thankful to the designer, to my stylist Hemu, और अपने designer के लिए. हाँ, actually संध्या की वजह से ही, you know, एक positivity मुझे थी, because ये जो इसके पीछे ये जो superwoman वाली frizz लगी हुई है ना, तो इससे मुझे लगा कि, you know, ये संध्या के अटायर के साथ भी थोड़ा जाता है, you know, संध्या is a superwoman मेरे लिए, तो इनफैक्ट बच्चों के लिए भी जो kids मेरे fan हैं, तो मुझे लगा वाई नॉट उनको आज हैप्पी करूं और ये फ्रिल्स जो है इससे सुपर वुमन वाला थोड़ा सा फील ले दूं. बहुत 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 अच्छा लगता है. कई बार जब हम आउटडोर में शूट करते हैं तो काफ़ी पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मिलने आते हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है. मेरे दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर और मेरे दिल के करीब आता जाता है कि इतना इंस्पायरिंग है. तो ऑब्वियसली ये, मतलब ये और किसी कैरेक्टर के साथ में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं एक कॉप का रोल कर रही हूँ और वो इज्जत जो मुझे मिलती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं बहुत सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन पुलिस को, जो दिन रात जाग कर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं. अच्छा देविका, ये बताइए, रोहित टेलीविजन करते हैं, जी कितना मिस करती हैं आप रोहित को, क्योंकि यहाँ पहले थे वो टेली में वो शूट कर रहे थे. डेफिनेटली मिस तो करती हूँ जो है, क्योंकि शादी के बाद कभी भी हम लोग ऐसे अलग नहीं हुए हैं और अभी 3 मंथ्स होने को आ जाएंगे. बट रोहित बहुत 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 अच्छे हैं, जो एवरी वीक, और पिछले कुछ वक्त से मैं काफ़ी बीमार भी हुई थी जो है, कुछ लोग जानते हैं बात, तो मैंने रोहित को बहुत परेशान किया है और जो है, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो नहीं आए, मतलब बार बार मेरे लिए, बट मैं बीमार ऐसे हो जाती हूँ कि वो बार बार आ रहे हैं. मुझे लगता है कि रोहित जैसी जब शूटिंग के लिए गए उसके बाद में बीमार होना शुरू हो गई हूँ, तो मेरी आई डोंट नो किस्मत से वो वापस आते रहते हैं. हफ्ते में हम लोग हर बार मिलते रहते हैं. आई एम थैंकफुल टू स्टार प्लस, बिकॉज वो स्टार का ही शो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. चैनल जो है रोहित को वहाँ से भी छुट्टी दे देते हैं और मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है हफ्ते में. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोबारा, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि रोहित के साथ दोबारा काम करने का मौका मिले. बट हाँ, मैं ज़रूर जो है, ये मैंने जो रोहित के साथ में सीखा है ना, आज मैं वही डिलीवर कर रही हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, इनफैक्ट जो मैं आज, इनफैक्ट जब भी मैं कोई बड़ा सीन करती हूँ तो उनके लिए उनका फ़ीडबैक ज़रूर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ. बट आजकल बिकॉज वो इतने दूर शूट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. मगर हाँ, मुझे कभी भी मौका मिलेगा मैं चूकूंगी नहीं. ये है कि अस्त्र शस्त्र और तैयार कर लूँगी, क्योंकि उनकी डांट बहुत खाती हूँ मैं. और बीच में हमने एक प्ले भी किया था 1 साल पहले, तो बहुत डांट खाई थी मैंने, बट मैंने बहुत सीखा. मुझे नई सोच का अवार्ड, जो पहला अवार्ड अनाउंस हुआ था वो अवार्ड मिल चुका है. एंड मैं उसके लिए थैंक्स कहती हूँ अपने फैंस को, जूरी को, जिन्होंने मेरे लिए वोट किया और जूरी ने मुझे सेलेक्ट किया, आगे बढ़ाया, स्टार प्लस को, जिन्होंने मुझे इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया आज नई सोच का. ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है. दी और बाती हम के लिए, मेरे जितने टेक्नीशियंस हैं, को एक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए भी. तो आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार प्लस कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया. थैंक यू.